हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें मेरे से कल मैंने एक फेसबुक पे एक छोटी सी क्वेरी डाली थी कि कोई भी दो क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनका मैं जवाब दूंगा। तो उसमें से मुझसे रुका नहीं गया और मुझे विवश होकर चार क्वेश्चंस पिक करने पड़े, और उन चार क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो मैं वेट करूंगा कि आप सब लोग फिर से मेरे साथ जुड़ जाएं, और एक एक करके 2 मिनट का समय लगेगा, तब तक जो है मैं क्वेश्चंस जो है मैं ओपन कर लेता हूं। तो अभी मेरे साथ पायल शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। और जस्ट एक बार हाय लिख के आप भेज दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग जो हैं मेरे साथ यहाँ पर इस समय जुड़ गए हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। पंकज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। पायल शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो एक बार फटाफट से हरे कृष्णा या हाय लिख दीजिए सो दैट आई कैन नो। तो रमन कुमार जी जुड़ गए हैं, शिव शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका सवाल का जवाब आज मिलेगा। और सोनू जी जुड़ गए हैं, नीरज जी जुड़ गए हैं घाना से, बहुत 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 स्वागत आप सबका। और स्पेशली जिनका क्वेश्चन है, मयंक चौबे जी का क्वेश्चन है, और दूसरा जो क्वेश्चन है शिव शर्मा जी का क्वेश्चन है, तीसरा जो है वो नीरू बुआ का क्वेश्चन है, मेरठ से उन्होंने ये सवाल किया था, और चौथा जो है वो प्रियंका धीर जी का जो सवाल है उसको जो है आज हम रिप्लाई करेंगे इस लाइव सेशन के अंदर। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे साथ हैं, और ज्यादा विलंब ना करते हुए हम इन क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ऋचा जी आ गए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। मिश्रा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। गैबी गौतम जी जुड़ गए हैं, ऋचा बसी जी जुड़ गई हैं, मयंक चौबे जी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले ये जो सवाल था, मयंक चौबे जी ने 3 क्वेश्चन किए थे, इसमें से मैंने पूरी की पूरी श्रृंखला में केवल 2 क्वेश्चन उठाने थे। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केवल अगर क्वेश्चन पूछना तो एक क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा आपका, क्योंकि आप 5-6 क्वेश्चन भेज देंगे तो उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे। और इररेलेवेंट क्वेश्चंस, जैसे अभी हम एक लेवल पे बैठे हैं, यू नो स्टूडेंट्स, जो वो एक कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो बहुत बड़ा, एक बड़े लेवल पे। जैसे एक क्वेश्चन कल आया कि जेमिनाई और केपी के बारे में बताओ, और कौशिक बैनर्जी ने भी उसके नीचे लिखा मेरा भी यही सवाल है। तो देखिए, अभी पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पराशरा हो रहा शास्त्र को आप 100% लेवल पे उसको जो है अगर आप सीख गए हैं तो आप जेमिनी और केपी पे पहुंचिए, राइट। तो ये एक बहुत बहुत जरूरी एक सूचना, क्योंकि जैमिनी भी ऋषि पराशर के ही चेले थे, डिसाइपल थे। जैमिनी जैमिनी और कोई नहीं, जैमिनी ऋषि थे, उनका नाम था जैमिनी, और उन्होंने फर्दर पराशराहोरा शास्त्र में से ही जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक छोटा सा शास्त्र बनाया, जैमिनी शास्त्र, और उसको पढ़कर प्रिडिक्शन जो है और एक्यूरेट की जा सकती है, जो मैं अमर्त्यकार का, आत्माकार का, दाराकार का, भैत्री कार का, मैत्री कार का, ये सब जेमिनी के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैं समझाने वाला हूं। लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसको घंटों से घंटों में हम बात करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो अभी जो है हम पहला क्वेश्चन मयंक चौबे जी का जो मुझे अच्छा लगा जो मैंने उठाया वो था कि विच प्लैनेट एंड हाउस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। इनका क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं और कौन सा ऐसा घर है जो एक ज्योतिषी को बनाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि जो हिडन नॉलेज है, अब देखिए ये जो नॉलेज है ये स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। अगर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती तो ये प्राइमरी एजुकेशन का घर है, ये आपकी 12वीं तक की क्वालिफिकेशन का घर है, ये ग्रेजुएशन का घर है,
और ये जो नौवां घर है ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है। अगर मेरे पास कोई आके कहता है कि नवनीत आप हमें बताएं कि मैं पीएचडी या एमबीए कर सकूंगा या सकूंगी, तो मैं नाइन्थ हाउस, उसका लॉर्ड, उसकी पोजीशन डिविजनल चार्ट्स में और नेटल चार्ट में देखकर और उसके नक्षत्र देखकर बताने की कोशिश करता हूं। अगर कह रहा कि बच्चा 12वीं के बाद नहीं पढ़ रहा तो मैं फिफ्थ हाउस में जाता हूं, अगर 12वीं तक पढ़ने में दिक्कत आ गई है तो मैं फोर्थ हाउस में जाता हूं, उसकी जो है डाइसेक्शन करता हूं अच्छी तरह से, और अगर प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत आ रही है तो थर्ड हाउस में। परंतु केवल आठवां और बारहवां ये दो घर हैं जो आपको, अगर ये स्ट्रांग है, इनके लॉर्ड स्ट्रांग है और इनके अंदर चंद्रमा या बृहस्पति विराजमान है या इवन शुक्र देव विराजमान है इन घरों में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र या बुध, ये चार प्लैनेट अगर अच्छे बैठे हैं, अच्छी स्थिति में, तो 100% चांसेस है कि आप एक अच्छे ज्योतिषी, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे ही बनेंगे। इसमें एक चीज और है कि अगर यहां पर शनिदेव आ जाते हैं तो जो शनिदेव हैं वो रेकी हीलिंग या जैसे हैंडीकैप लोगों की मदद करने में, जो रेकी हीलिंग या जो हीलर्स होते हैं उनके शनि जो है यहाँ पर या यहाँ पर विराजमान हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, हम कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारियां होंगी और किस बीमारी का क्या इलाज होगा, वो भी कुंडली के अंदर 100% पता लग जाता है। तो उसके लिए सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य और शुक्र, क्योंकि सूर्य और शुक्र जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि शुक्र संजीवनी है और जो सूर्य है वो जीवन देते हैं, क्योंकि इस पूरी धरती में अगर पेड़ पौधे जीव जंतु अगर वो जिंदा है तो वो सूर्य की वजह से है। तो केवल एक प्लेनेट या एक घर ज्योतिषी बनने के लिए इनफ नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि वेदर यू विल बिकम एन एस्ट्रोलॉजर और नॉट, देर आर कॉम्बिनेशंस। सो फ्यू कॉम्बिनेशंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू टुडे दैट आइदर इट इज द 8th हाउस और इट इज द 12th हाउस और इट इज द पोजीशंस ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द 8th हाउस एंड द 12th हाउस। अलोंग विद इट यू ऑल्सो हैव टू सी द पोजीशन ऑफ बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, राइट, दीज आर सिग्निफिकेटर्स ऑफ बुद्धि, कैलकुलेशन, राइट। तो ये कैलकुलेशन और बुद्धि अगर आपकी अच्छी होगी, अब इसमें से बहुत परमुटेशन निकलेंगे कि अगर लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में है, कम्युनिकेशन के हाउस में, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है, आपको ढेर सारी नॉलेज है और आप उसको डिलीवर ही नहीं कर सकते तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। जो डिलीवरी है वो कम्युनिकेशन से आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स इंटरलिंक्ड है। कभी कभी कई ज्योतिषियों को बहुत नॉलेज होती है, वो बोलते ही नहीं है, उनको समझाना ही नहीं आता कि वो सामने वाले को क्या समझाएं। बुध वीक है, कम्युनिकेशन वीक है, बुद्धि वीक है, राइट। और कई एस्ट्रोलॉजर डरपोक होते हैं, उनका मंगल खराब होता है या सूर्य खराब होता है कि वो अप फ्रंट किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, राइट। और अगर आपका बृहस्पति और चंद्रमा खराब है तो आप जीवन में ये नॉलेज कभी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं होगा। इस नॉलेज को लेने के लिए मन की स्थिरता बहुत बहुत जरूरी है। चंद्रमा चाहे नीच का क्यों ना बैठा हो आठवें घर के अंदर, तो भी वो आपको पूरा का पूरा माइंड बाकी दुनिया की चीजों से हटाकर ज्योतिष की तरफ लगा देगा। दुनिया आपको पागल कहेगी, लेकिन वही दुनिया जो आपको पागल कहेगी एक दिन आपके चरणों में आकर बैठेगी, क्योंकि आप अकल्ट नॉलेज, आप ज्ञान, जो एक विज्ञान है, जो एक हिडन नॉलेज है, उसके आप जो है एक लेवल पे मास्टर हो जाएंगे और बहुत सी चीजों को आप बता पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब सड़क पे कोई चल रहा होता है ना, जो थोड़ा सा मेंटली अपसेट होता है या जो पागल होता है, जिनको लोग गाली देते हैं, पत्थर देते हैं, उन लोगों से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा धरती के आठवें और बारहवें एलिमेंट के साथ इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि अगर वो आपको बददुआ दे दें, अगर वो कह दें कि जाओ मरो तो तुम मरोगे, अगर वो कह दें कि तेरा ये बुरा हो तो तुम्हारा वो, और अगर वो आपको दुआ दे दें कि जाओ आपका भला हो, तो आपका सच में भला हो जाएगा, आपकी कुंडली 2 मिनट के लिए सारी रब कर दी जाएगी और नई चीजें जो है भगवान आपके लिए ऐसे ऐसी चीजें आपको लाइफ में दे देंगे। इसलिए कभी कभी हमें कई लोगों की कुंडली रीड करने में इतनी मुश्किल आती है
कि जो सर्कमस्टांसेस वहां पर दिख रहे होते हैं उसके उल्ट वो बहुत अच्छा जीवन बिता रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा नेक काम किया होता है, कोई नेक चीज, एक नेक कर्म कैसा कर दिया होता है कि विष्णु जी खुद आकर उस इंसान को ब्लेस करके चले जाते हैं। और मेरे विष्णु जी जो जगन्नाथ जी भी हैं, राइट, उनकी आंखों में पलके नहीं है, क्योंकि पलके इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो एक बार किसी पे दृष्टि डाल देंगे तो जिंदगी में दोबारा उसके ऊपर से वो दृष्टि नहीं हटाएंगे। अगर भगवान कृष्ण की आपको एक बार जीवन में ब्लेसिंग मिल गई तो आप जो मर्जी करते रहिए उसके बाद। मैं ये नहीं कहता कि आप बुरे कर्म करें या आप गलत हो जाएं, उसका तो आपको सामना करने पड़ेगा, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि आपके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग रहेगी। सो एस्ट्रोलॉजी के लिए 8वां और 12वां घर बहुत जरूरी है। इसको देखा जाता है, चंद्रमा और बृहस्पति की पोजीशन, शुक्र देवता भी गुरु हैं, इनकी पोजीशन को देखा जाता है। गगन खन्ना जी कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी 9 रिलेट्स टू व्हाट प्लैनेट। आज जो मोदी जी ने सुबह अनाउंसमेंट की है इसके ऊपर मेरी वीडियो आ रही है आधे घंटे के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, 9 नंबर की सिग्निफिकेंस और 9वीं दिन रात को 9 बजे कोई 9 मिनट के लिए जो घोषणा की गई है इसका मैंने पूरा विश्लेषण किया है। ये मैं YouTube की वीडियो के ऊपर डालने वाला हूं, सिर्फ आधा घंटा वेट कीजिए, जाइए मेरे YouTube चैनल पे, आपको एक एक चीज और जो मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर चीज की संडे की जो एक्टिविटी है उसकी जो रिसर्च की है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो रिसर्च देखकर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोरोना वायरस कब और कैसे अंत होने वाला है या इसकी शुरुआत हो चुकी है कि नहीं हुई है। तो इसका जवाब आपको 1 घंटे बाद मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसकी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी शूट कर दी है मैंने, लेकिन आपका उसका अपलोड करने के लिए 1-1.5 घंटे की मुझे जरूरत पड़ेगी। आपको सारे सवालों के जवाब वो 9 नंबर से रिलेटेड सारे कवर कर दिए हैं मैंने लॉजिक के साथ, और उसकी एक्सप्लेनेशन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के बेसिस पे उसमें दी है। रमन कुमार जी कह रहे हैं सही बात, स्पेशली गुरु एंड मून। बिल्कुल बिल्कुल, तो गुरु एंड मून के बारे में ये चीज है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मयंक चौबे जी ने कहा था, तो उनका इसका जवाब मैंने दिया है। दूसरा क्वेश्चन था शिव शर्मा जी की तरफ से। शिव शर्मा जी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि विच प्लैनेट इज और विच प्लैनेट्स आर व्हाट प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर धोखा। अगर आपको कोई डिच करता है या आपको कोई कॉन करता है तो आपको कोई धोखा देता है तो कौन सा प्लैनेट जो है। देखिए शिव शर्मा जी, इस बारे में डिटेल में तो हम कुंडली का विश्लेषण करके ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो था मुझे बताना जरूरी था कि सभी प्लैनेट्स में से एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी जो प्रवृत्ति होती है ना, जो नेचर होती है वो थोड़ी सी इस तरह की होती है। आपको पता है वो जो दोस्त होते हैं जो आपको पहले आसमान पे चढ़ा देते हैं और फिर आसमान से धक्का मारते हैं नीचे, राइट? याद करो कोई ऐसे दोस्त है जो आपको कहते थे, जब अगर जैसे अगर गगन खन्ना जी जुड़े हुए हैं जो क्रिकेटर भी हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने मुझे बताया था, तो कभी कभी ऐसा होता है ना आपको कि दोस्त वाला तू तो छक्का मारेगा, तू तो 100 रन करेगा, ये करेगा वो करेगा, और आप इतने ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कभी कभी कि अगर आप उनके बारे में ध्यान दो, जैसे कई प्लेयर्स दे गेट कैरिड अवे, कैरिड अवे, वी वांट 6 सर, वी वांट 6 सर, तो इंसान अच्छी बॉल को भी 6 रन मारने की कोशिश करता है और आउट हो जाता है। तो वो जो चीज है जो है वो एक इंसान को कैरीड अवे, धोखा है वो एक तरह का, कि मतलब लोग आपको उस बॉल पे जो एक रिस्पेक्टेबल बॉल है जिसकी आपको इज्जत करनी चाहिए, आपको प्रेम से बाइज्जत उसको रोकना चाहिए, राइट, उस बॉल पे भी आप जब 6 रन मार देते हैं या मारने की कोशिश करते हैं तो आउट हो जाते हैं, तो वो भी एक धोखा होता है। एक डिमांड होती है, अनरियलिस्टिक अनवांटेड डिमांड। तो ऐसा जो एक प्लेनेट है जो हमेशा आपको इस लेवल पे लेके इस तरह की क्रिया करने के लिए या सामने वाले की बुद्धि खराब कर देता है वो राहु है। यहाँ पर रिचा बसी जी कह रही है 9 इन न्यूमरोलॉजी इज मार्स, एंड रिचा लूथरा जी कह रही है 9 नंबर इज नंबर 2 रिलेटेड टू जुपिटर।
आई थिंक यहाँ पर ऋचा जी ठीक कह रही हैं, ऋचा लूथरा जी ठीक कह रही हैं कि 9 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में जो है वो जुपिटर के पास है, लेकिन मार्स की एनर्जी उसमें जरूर होती है, क्योंकि ऋचा बसी जी जो बात कह रहे हैं वो 9 नंबर बिलोंग तो गुरु को करता है वैदिक में, लेकिन उसमें एनर्जी जो है वो मंगल की होती है। तो इन दोनों के जवाब जो है आपको मेरे उस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो अभी हम न्यूमरोलॉजी जो है उसको मेरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो सवाल था वो शिव शर्मा जी का सवाल था कि कौन सा प्लैनेट, वो प्लैनेट जो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है वो राहु है, कि जो राहु है, राहु जब भी किसी प्लैनेट के साथ आ जाता है तो उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और अगर ये नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ हो, जैसे बुध के साथ अगर राहु हो, तो ऐसा इंसान जो है अपनी बुद्धि से किसी को धोखा दे देता है। अगर शुक्र के साथ राहु विराजमान हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है 100% हो जाते हैं, क्योंकि जो वो शुक्र है वो बीवी या रोमांस का कारक है, राहु उसके साथ जुड़ के जो है वो धोखा करवाएगा ही करवाएगा। इसी तरह मंगल जब राहु के साथ जुड़ जाता है तो अंगारक योग बना देता है, तो ऐसे लोग बहादुरी में जो है धोखा दे जाते हैं। अगर वो बृहस्पति के साथ हो तो गुरु चंडाल योग बना देता है राहु। तो इस प्रकार राहु वो एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी की भी लाइफ के अंदर जो है धोखा जो है क्रिएट कर सकता है। राहु एक ऐसी एनर्जी है जो चाहती है उसे सब कुछ मिल जाए, तो वो ये नहीं ध्यान रखता कि मतलब कि आप किसी को धोखा देंगे कि नहीं धोखा देंगे, लेकिन उसको बिजनेस बढ़ाना है तो बढ़ाना है, उसको पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, राइट। तो वो धोखा देकर, राइट, चीटिंग करके भी वो अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ जो है वो आगे बढ़ता है, वो प्लेनेट जो है वो राहु है। यहाँ पे आशीष जिंगरा जी कह रहे हैं 9 नंबर इज मार्स इन न्यूमरोलॉजी एंड गुरु इज 3 नंबर। आपने ठीक कहा कि 3 नंबर को रिप्रेजेंट, जो न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर को जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और फिर गुरु, और जो 9 नंबर है उसको मंगल का नंबर दिया गया है। ये हमने महावास्तु की क्लास में भी ये पढ़ा था, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 9 नंबर सिग्निफाई करता है वो गुरु सिग्निफाई करता है। और इसमें आपको थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जो आशीष झिंगरा जी और ऋचा बसी जी कह रहे हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं, और जो ऋचा लूथरा जी कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो 9 नंबर प्लेनेट, दो 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, वो रिप्रेजेंट तो मंगल को करता है लेकिन उसके अंदर एनर्जी गुरु की होती है। वो किस प्रकार होती है वो आपको मेरी वीडियो में पता लगेगी। तो ये जो चर्चा है ये डिबेटेबल एक चीज है जिसके बारे में हम डेफिनेटली यहाँ पर डिबेट करेंगे। तो इफ राहु इन दी 9th हाउस ऑल अराउंड द, देखिए फिर वही हाफ क्वेश्चन है गौरव बग्गा जी कि 9वें घर में राहु तो है, कौन से नक्षत्र में, कितनी डिग्री पर, उसके ऊपर दृष्टि है किसी प्लेनेट की कि नहीं, और वो राहु D10, D11, ठीक है, और आपके जो D9 चार्ट है, D27, D60 के अंदर कहां पर बैठा है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि राहु 9वें घर में अकेला क्या रिजल्ट दे रहा है। वो नहीं दे सकते। तो ये दूसरे सवाल का जो था वो जवाब था। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब न्यूमरोलॉजी के जो 9 नंबर की जो डिस्कशन है वो बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि आप लोग बिजी हैं केवल ये प्रूव करने के लिए कि 9 नंबर और 3 नंबर क्या क्या है। तो मैं ऋचा लूथरा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऋचा बसी जी से भी और आशीष जिंगरा जी से भी, आपको जो मैं ये बता रहा हूं ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान है, आप इसको समझिए, और इसके ऊपर में मैं चर्चा बाद में हम करेंगे। तो नो मोर मैसेजेस ऑन व्हाट इज 9 नंबर एंड व्हाट इज 3 नंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं गुरु हूं तो मैं पूरा हक रखता हूं आपको किसी चीज से रोकने के लिए और किसी चीज से बढ़ाने के लिए, राइट। सो आई होप अगर आपने मेरी बात समझी है तो यस लिख कर भेजें यहाँ पे। ओके, सो नाउ अब फिर मैम चौबे जी कह रहे हैं इफ राहु इन लग्ना चार्ट सिट्स अलोन इन द 5th हाउस अगेन। देखिए मैम जी, मैं आपको अभी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर चीज से मैं कैसे आपको रिप्लाई करूं कि वो कैसे रिजल्ट देगा, जब तक कि हम वो पूरी कुंडली का विश्लेषण ना करें। आप पर्सनल हॉरोस्कोप्स या जिन हॉरोस्कोप्स पे आप स्टडी कर रहे हैं उनको मत डिस्कस कीजिए, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मेरी सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है आंसर देते हुए, कि राहु केवल एक कॉम्बिनेशन से मैं राहु का जवाब नहीं दे सकता हूं, मुझे बहुत से और कॉम्बिनेशंस देखने होंगे उस पर्टिकुलर राहु का जवाब देने के लिए।
राइट. सो अब वो पूछते हैं कि व्हेन इट सिट्स अलोन इट गिव्स हार्म, इट कैन गिव हार्म, इट कैन गिव यू गुड थिंग्स ऑल्सो. ये हार्म भी कर सकते हैं और आपको अच्छा भी दे सकते हैं, डिपेंड्स कि ये कहां और कैसे बैठे हैं, राइट. सो अगर राहु अकेले बैठे हो तो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं किसी का और बहुत बुरा भी कर सकते हैं किसी का, डिपेंड करता है वो कौन सी राशि में है, ठीक है ना. वो उच्च की राशि में है कि नीच की राशि में है. वो अकेले बैठे हैं, बाकी डिविजनल चार्ट्स में अकेले वो कहां कहां पर बैठे हैं, किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, राइट. तो ये एक जो जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो मित्र राशि में है, प्रॉब्लमेटिक राशि में है, उस राशि का जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर यानी कि उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहां पर बैठा है. तो ये टेक्निकल टर्म थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी. रमन कुमार जी पूछ रहे हैं कि राहु दशा में धोखा मिलता है. बिल्कुल मिल सकता है, राहु की दशा के अंदर धोखा मिल सकता है, अगर राहु की पोजीशन जो है आपकी कुंडली में अच्छी ना हो और ऐसी जगह पर बैठा हो जहां पर धोखा मिलेगा ही मिलेगा. तो सर्टनली जैसे 11वें घर में थोड़ी सी पोजीशन इस तरह की होती है, बाकी डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको पहले बताया नक्षत्रों पे, उनकी दृष्टियों के ऊपर और वो कौन सी राशियों में है, तो डिपेंड करता है. बट राहु दशा में एक जरूर जरूर ये चीज होती है कि कंफ्यूजन और इल्यूजन जरूर लाइफ में आती है, लेकिन जिनके राहु चाहे अकेले हो चाहे कॉम्बिनेशन में हो, जहां पर वेल प्लेस्ड हैं तो वो माला माल कर देते हैं, इतना पैसा इंसान को, इतनी शोहरत, इतनी पावर इंसान को देते हैं कलयुग के अंदर कि आपने सोचा भी नहीं होगा. परंतु ये विश्लेषण करना पूरी कुंडली देख कर ही है, लेकिन धोखा देने की जो प्रवृत्ति होती है वो राहु में होती है कुंडली के अंदर. सो आई होप शिव शर्मा जी को जो ये है क्वेश्चन का जो जवाब है ये मिल गया होगा. अब नीरू बुआ ने मेरठ से एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मेरे से पूछा. उन्होंने ये पूछा कि नवनीत जी हमें ये बताएं कि जो डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं आप, वो किस प्रकार डिग्रीज कैलकुलेट की जाती हैं, कि वो डिग्रीज जैसे आपने बताया कि 6 से 12 है, 7 है 8 है 9 है 10 है, वो कितनी डिग्री पे कैसे वो पहुंचा एक प्लैनेट, या वो किस तरह से एक प्लैनेट की डिग्री कैलकुलेट होती है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि डिग्री जो है किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, राइट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे. सर आई हैव बीन चीटेड बाय समवन यूज्ड बाय हिज बुद्धि. ओके मे बी, देखिए कोई ना कोई कर्म सेटलमेंट होगा. शिव कुमार जी बात कर रहे हैं, तो हम डिग्री की बात करते हैं, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन वॉज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन जो नीरू बुआ ने मेरठ से पूछा था, तो उसका जो है हम सवाल का हम जवाब देने वाले हैं. इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि एक घर जो होता है वो 30 डिग्री का होता है ना. तो मैंने आपको बताया कि एक प्लैनेट हाईएस्ट या तो 0 डिग्री का होगा या 30 डिग्री का होगा. सो आइदर इट इज 0 डिग्री और इट इज 30 डिग्री. 30 डिग्री से ज्यादा एक घर नहीं हो सकता है. इसीलिए 12 घर है तो 360 डिग्री पूरा ब्रह्मांड कुंडली में समा गया, तो 360 डिग्री होता है. अब आपको पता है हमारे पास आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है. तो ऋषि पराशर कहते हैं कि मैं हर एक राशि को 2 घंटे दूंगा एक दिन के अंदर ऑपरेट करने के लिए, यानी कि 2 घंटे एक राशि को मिलेंगे ऑपरेट, यानी कि सारा का सारा डिपार्टमेंट संभालने के लिए. इसीलिए 12 राशियां हैं और 2 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है, है ना. तो आपके जो है 2 घंटे एक राशि को मिलेंगे, 2 घंटे एक राशि को मिलेंगे, तो उस 2 घंटे में जो जन्म लेगा उनका उस राशि में जन्म होगा, उसका एक पर्टिकुलर लगन बनेगा, राइट. तो अभी हम पहले ये सोचते हैं कि 12 घर हैं, राइट, और जो है और 12 घरों में 2 घंटे हर एक घर के अंदर एक राशि को मिलने हैं, ठीक है, तो 24 घंटे हो गए ना, ठीक है. तो अब हम ये लेते हैं 2 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 120 मिनट्स. 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना,
2 आवर्स, ठीक है ना, 2 घंटे 120 मिनट है। तो 1 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए 30 डिग्री टोटल है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 30 से डिवाइड करके आपका 4 मिनट आंसर आ जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है ना। सो 1 डिग्री जो कैलकुलेट होती है वो 4 मिनट से कैलकुलेट होती है, कि अगर मेरा 12:01 पे जन्म हुआ है, ठीक है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर डिग्री मिलेगी, ओके। और अगर 12:05 पे जन्म हुआ, 4 मिनट आगे चला गया, तो 1 डिग्री बढ़ जाएगी मेरे प्लेनेट की, मेरे असेंडेंट की, क्योंकि एक कुंडली में एक घर है 2 घंटे का, 120 मिनट्स का, डिग्री है 30, तो 1 मिनट को मिली 4 डिग्री, 4 डिग्री टू 1 मिनट। तो 4 डिग्री में 1 मिनट बाद आपकी कुंडली में जो घर है, जो एक प्लेनेट है, वो 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इसीलिए जब आप डिग्री चेक करेंगे तो लिखा होगा 3 डिग्री 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का मतलब है कि जैसे इंसान पैदा हुआ, हमने फोटो खींची, ठक फोटो खींची, वो फोटो में जो सा प्लेनेट जहां था वो वहां रह गया, उसको यहां पे चिपका दिया, जितने डिग्री जितने मिनट पे था वो कैलकुलेट हो गया। 1 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, राइट। सो 1 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट्स, 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 12 हाउसेस इज इक्वल टू 24 आवर्स। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अ डिग्री। अब ये चीज मैंने आपको क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि ये हर एक के दिमाग में नहीं पड़ने वाली है। इट इज नॉट कि आप सब लोग जो है इस चीज को आप समझ पाएंगे, राइट। सो क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, एक लेवल के बाद आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं, ठीक है। तो अगला चौथा क्वेश्चन था कि ये बहुत 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन जो था, ये चौथा क्वेश्चन प्रियंका धीर जी ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे पूछा था, कि ये मैं क्वेश्चन पूरा रीड करूंगा आपके लिए, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, और आई वुड लाइक टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू पूरा का पूरा क्वेश्चन। वैसे इनके क्वेश्चन का मतलब पता है क्या था, इनके क्वेश्चन का मतलब ये था कि भगवान जीवन में कर्मों के अनुसार पनिश क्यों करते हैं, वो भी बिना बताए हुए। कि अगर मतलब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, पूरा क्वेश्चन आपको मैं समझाना चाहूंगा। इन्होंने लिखा, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गिविंग पनिशमेंट टू अ पर्सन इन नेक्स्ट लाइफ फॉर हिज बैड कर्मास ऑफ पास्ट लाइफ। यानी कि इस जन्म में आपको जो पनिशमेंट मिलती है पिछले जन्मों के कर्मों से, क्यों मिलती है, क्यों देते हैं भगवान? बिकॉज ही विल नॉट लर्न एनीथिंग, उसको कोई लर्निंग नहीं होती है वहां से, और ना उसको पता होता है कि पिछले जन्मों में उसने क्या बुरा किया जिसकी वजह से उसको इस जन्मों में भुगतना पड़ रहा है। रेदर वो ये सोचने लग जाता है कि गॉड जो है वो अनजस्ट है एंड इज गिविंग पनिशमेंट एंड फॉर डूइंग नथिंग बैड एंड बिकॉज ही विल नॉट रिमेंबर हिज पास्ट लाइफ कर्मास। तो भगवान ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कभी कभी उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो कहता है कि नवनीत जी, मैंने अपने इस जन्म में कोई बुरा नहीं किया, मुझे अपने पास्ट लाइफ का तो पता नहीं है कि मैंने क्या अच्छा किया होगा क्या बुरा किया होगा, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा इस जन्म में हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है। ये पूरे क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत बार सुनने को मिलती है। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले चीज, इसका जवाब गीता में है, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि आप फ्यूचर और पास्ट को लेट इट रिमेन इन डार्क, राइट, और प्रेजेंट में कर्म करो, और जो मैं कह रहा हूं अपना कर्म कर्म को प्रधान बनाओ और आगे बढ़ो। लेकिन इस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, नहीं मिलती, क्योंकि प्रैक्टिकली हम यहां से सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि आप पास्ट को ना ध्यान में रखो। देखिए, पिछले जन्मों का अगर आपको याद रह जाए, राइट, तो आप ये जन्म अच्छे तरह से बिता नहीं सकते। सपोज करो कि आपको ये पता लगे कि पिछले जन्म में आपका कोई दुश्मन था जिसके साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ और आपने उसका बहुत नुकसान किया और उसने आपका बहुत नुकसान किया, और इस जन्म में वो आपका सगा भाई बन के आ गया, क्या आप उसको एज ए सगा भाई एक्सेप्ट करोगे? क्या आप उसके साथ अच्छे कर्म करोगे कि आपके पुराने कर्म सारे कट जाएं?
या वो इंसान आपका हस्बैंड बन के आ गया, या वो इंसान आपकी वाइफ बन के आ गई, आपको पहले से ही पता है किसने मेरा इतना नुकसान किया था, मैंने इसका इतना नुकसान किया था, तो वो आपका पति बन गया है, तो क्या आप उसको पति मानेंगी? क्या आप उसको अपने हस्बैंड मानेंगे? आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी का मर्डर किया है पिछले जन्म में और इस जन्म में वो आपका बेटा बना और वो गाड़ी तेज चलाया, उसका उसने एक्सीडेंट किया जिसमें आपकी मृत्यु हो गई, उनका कोई कर्म सेटल करने का इस हिसाब से सिस्टम था, तो क्या आप उसको अपना पुत्र एक्सेप्ट करेंगे? क्या जब आपका कर्म सेटल होना होगा, क्या आप उसकी गाड़ी में बैठकर जाएंगे? क्योंकि अगर ये होना होता तो परमात्मा पहले ही लिख के भेजता कि इसके ये जन्म डेट है, ये मृत्यु डेट है, एक चिट्ठी गले में डली होती जन्म के साथ ही। तो भगवान कर्म सेटल करवाते हैं आपको बिना बताए, आपकी बेटरमेंट के लिए, कि आप नए रिश्तों को एक्सेप्ट कर सकें। अगर आप उन नए रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उनको माफ ही नहीं कर सकते, आप उनको क्षमा ही नहीं कर सकते, वो दुश्मनी जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहेगी। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मेरा बेटा अभिमन्यु युद्ध में मारा गया है, भगवान आप भगवान हैं, मेरे को मेरे बेटे से मिलाइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सब मेरे पे छोड़ दो, ये सब मत सोचो, आप अपना कर्म करो। कहते नहीं, आप मेरे मित्र हैं ना, आप मेरे भगवान हैं, आपको शपथ है मेरी दोस्ती की, मुझे आप अभिमन्यु से मिलाओ जिसको चक्रव्यूह में इन्होंने मार दिया है। वो ले गए भगवान कृष्ण अर्जुन को, एक घर में एक छोटा सा बालक था 7-8 साल का, वो खेल रहा था, और भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये है तुम्हारा अभिमन्यु, इसका दोबारा जन्म हो गया, जाओ मिल लो। वो गया और उसने जोर से उस बच्चे को अपने गले लगाया, चूमना चाटना शुरू कर दिया, और उस बच्चे ने जोर से धक्का मारा और डंडा उठा लाया और अपने पिता को बुला लाया कि ये इंसान मुझे किडनैप करने के लिए आया है, इसको मारो। तो वो कहता रहा बार बार कि अर्जुन मैं तुम्हारा मतलब पिता हूं अर्जुन, और तुम मेरे बेटे थे पिछले जन्म में। तो लोगों ने उनको वहां से भगाया और फिर वो रोता रोता अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के गले लगा। उसने कहा कि भगवान ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए तुम्हें ये कह रहा था कि ये सारी चीज मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि तुम अपने कर्मों को सेटल नहीं कर पाओगे, अपने पिछले जन्म का जो दुख दर्द की लेगेसी है उसको तुम आगे लेकर आओगे और आप अपना जीवन ही नहीं बिता पाओगे उसके साथ, यू विल बी इन लॉट एंड लॉट ऑफ ट्रबल, उसको लेके आपको बहुत बहुत जीवन में प्रॉब्लम्स सहनी पड़ेंगी, दिक्कतें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि उसने आपके साथ क्या बुरा किया और मैं उसको सेटल नहीं करूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। तो बदले की भावना में आपको वो करना पड़ेगा और आप दुख भी नहीं सह पाएंगे। अभी कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको बिना बताए कोई दुख, जैसे आप चलते फिरते कोई ठोकर आपको बज जाए तो आपको उसको दर्द कम होता है, लेकिन अगर आपको कह के कोई ठोकर मारे तो आपको उसका दर्द ज्यादा होता है अपने जीवन के अंदर। तो ये वो जवाब है कि क्यों भगवान हमें पास्ट लाइफ के कर्मों को याद नहीं करने रखते हैं, क्योंकि हमें नए कर्मों को सेटल करना। अगर पास्ट लाइफ में आपको पता लग जाए कि मेरी मतलब इस जन्म में मेरी अब मृत्यु होनी है और इन इन बंदों ने मुझे धोखा देना है, इन इन बंदों ने मेरे साथ चीटिंग करनी है, तो आप उन बंदों के संपर्क में ही नहीं आओगे और अपने कर्मों को पोस्टपोन कर दोगे अगले जन्म के लिए, और आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा और आपको इस विक्षियस सर्कल से आप निकल नहीं पाएंगे अपने जीवन के। तो ये वो रीजन है कि भगवान आपको कर्म दुख देते हैं, भोगते हैं हम अपने, भगवान दुख नहीं देते, आपके कर्म आपको दुख देते हैं और वो आप भोगते हैं, और आपको पिछले जन्म का भी पता नहीं होता, क्योंकि आप वो कर्मों का सेटलमेंट जो है वो इजीली कर सकें, वो पुरानी दुश्मनी, वो पुराना दुख, वो पुराना धोखे की लेगेसी को आप अगले जन्म में ना लेकर आए। तो इसलिए तो गीता कहती है कि आप क्षमा करो, आप माफ करो, इग्नोर करो, अपना कर्म करो, ताकि आपके फर्दर कर्म ना हो और उस इंसान के साथ आपके कर्म सेटल हो जाए लाइफ के अंदर, राइट? सो ये आई होप प्रियंका दी आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है भगवान का कि आपको पिछले जन्मों के कर्मों का याद नहीं रहता और इस जन्मों में आपको भुगतना पड़ता है बिना कुछ बुरा किए हुए, राइट? सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मिक ग्रोवर कह रहे यू आर अमेजिंग टीचर, आई बो टू यू, आई लव द वे यू टीच, गेट इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, यू आर टू गुड। थैंक यू मिक, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये चार
सवाल थे। आज आप शाम को फिर 4 सवाल भेजिए, 2 सवाल भेजिए, मैं पिक करूंगा उनको, 2 बेस्ट क्वेश्चंस को, और आपको जवाब दूंगा। सो टिल देन, हरे कृष्णा, धन्यवाद।